गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। बच्चों, छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाईं तरफ मतलब उल्टे हाथ की तरफ लगाई जाती है। देखो यहाँ पे कैसे लगा रखी है, ये है छोटी ई की मात्रा। तो जब हम क में लगाएंगे छोटी ई की मात्रा तो ये हो जाएगी कि, क्या पढ़ेंगे हम इसको कि। फिर ख में लगाएंगे तो खी, फिर ग में लगाएंगे गी, फिर घ में लगाएंगे घी, च में लगाएंगे ची, छ में लगाएंगे छी, ज में लगाएंगे जी और झ में लगाएंगे तो झी। ऐसे हम क से लेके ग तक छोटी की मात्रा लगाएंगे। जब हम छोटी की मात्रा लगा लेंगे तब हम उनके शब्दों को पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। अब देखो, स में छोटी की मात्रा लगी हुई है, दिख रही है ना आपको? यस। सी तार। अब हम क्या करेंगे, इन शब्दों को अलग अलग नहीं पढ़ के ऐसे पढ़ेंगे, सी तार, गिटार, हिरन। समझ में आया? फिर से पढ़िए, सी तार, गिटार, हिरन। अब हम छोटी की मात्रा के सारे शब्द पढ़ेंगे, कवि, छवि, रवि, बलि, हरि, चिड़िया, बिटिया, बछिया, विमला, तिनका, परिवार, रविवार, झिलमिल, रिमझिम, टिमटिम। समझ में आया आपको कैसे पढ़ना है? अब आपको मात्रा का ढंग से अभ्यास करना है, लगाना सीखना है। फिर से आप एक बार इन शब्दों को पढ़ेंगे, कवि, छवि, रवि, बलि, हरि, चिड़िया, बिटिया, बछिया, विमला, तिनका, परिवार, रविवार, झिलमिल, रिमझिम, टिम टिम। अब इनमें से आपको 10 शब्दों को, कोई से भी, दो आप दो वर्णों वाले ले लेंगे, तीन आप तीन वर्णों वाले ले लेंगे और ये पांचों आप चार वर्णों वाले शब्द लिख लेंगे, तो ये आपके श्रुतलेख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके? श्रुतलेख। तो आपको प्यारे बच्चों पहले क से ज्ञ तक छोटी ई की मात्रा लगाना है और फिर छोटी ई के 5 शब्द या 10 शब्द अपनी कॉपी में लिखना है। राइटिंग बेटा आपकी बहुत साफ होना चाहिए और जब आप लिखेंगे तो प्रॉपर डिस्टेंस लेंगे। अब आपके पास कॉपी भी आ गई होंगी और किताब भी आ गई होगी, तो किताब में भी आप पूरा 1 लाइन का डिस्टेंस लेके लिखेंगे, जिससे क्या है आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आएगी। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो आज का जो हमारा पाठ था वो था छोटी ई की मात्रा लगाना और छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना। आप बार बार इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अब जो नेक्स्ट आपको वीडियो बताऊंगी उसमें आपको छोटी ई की मात्रा का ये वाला जो पाठ आपको नजर आ रहा है इसको पढ़ने का हम अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।